नमस्कार दोस्तों दोस्तों यह वीडियो मनोविज्ञान के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर तैयार किया गया है जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती 2015 में होम साइंस के पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन, जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है ऑप्शन मानसिक अवस्था का, व्यवहार का, चेतना का, मन का। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन दो, व्यवहार का। जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। दो नंबर क्वेश्चन, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन बर्लिन, बोस्टन, फ्रैंकफर्ट लिप्जिंग और लिप्जिंग। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन चार, लिप्जिंग। 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करके बुद्धि के मापन के कार्य को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया था। तीन नंबर प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। यह प्रश्न आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती 2015 में हिंदी के पेपर में और 2013 की भर्ती में फिजिक्स के पेपर में भी पूछा गया था। तो तीन नंबर क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है ऑप्शन अधिगमकर्ता से, अधिगम परिस्थिति से, अधिगम प्रक्रिया से और उपरोक्त सभी से। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन चार, उपरोक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता, अधिगम परिस्थिति, अधिगम प्रक्रिया, इन सभी से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में निम्न शामिल है, एक नंबर शिक्षार्थी, दो नंबर अधिगम प्रक्रिया, तीन नंबर अधिगम स्थिति, चार नंबर अधिगम अनुभव, पांच नंबर शिक्षण स्थिति और लास्ट छह नंबर अधिगम अनुभवों का मूल्यांकन। ये सब शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आते हैं। चार नंबर क्वेश्चन, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती 2015 में हिंदी में और 2013 फिजिक्स और ड्रॉइंग्स में भी पूछा गया था। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है ऑप्शन एक, रटने से, ऑप्शन दो, ज्ञान हस्तांतरण से, ऑप्शन तीन, अनुभव व नवीन अर्थ खोजने से, ऑप्शन चार, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन तीन, अनुभव व नवीन अर्थ खोजने से नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। आरपीएससी की फाइनल आंसर की 18 नवंबर 2016 को जारी हुई थी। इस आंसर की में इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। इससे पहले के आंसर की में इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन तीन ही दिया हुआ था। पांच नंबर क्वेश्चन, पुनर्बलन का सिद्धांत संबंधित है ऑप्शन पावलोव से, स्किनर से, कोहलबर्ग से, थॉर्नडाइक से। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन तीन, स्किनर से। पुनर्बलन का सिद्धांत स्किनर से संबंधित है। छह नंबर क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है उद्दीपन अनुक्रिया का, गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण का, उद्दीपन सामान्यकरण का और पुनर्बलन का। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन दो, गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण का। अंतर्दृष्टि अधिगम गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण का परिणाम है। सात नंबर प्रश्न, निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन बुनर द्वारा नहीं किया गया है? यह प्रश्न आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती 2013 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूजिक और मैथमेटिक्स के पेपर में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस है, क्रियात्मक प्रतिनिधान, प्रतिमा प्रतिनिधान, इंद्रिय गतिकाल, प्रतीकात्मक प्रतिनिधान। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन तीन, इंद्रिय गतिकाल। बुनर ने सांकेतिक विकास के तीन महत्वपूर्ण चरण बताए हैं जिनमें एक नंबर है इनएक्टिव, दो नंबर अनुप्रतीकात्मक और तीन नंबर प्रतीकात्मक। ये बुनर ने सांकेतिक विकास की अवस्थाएं बताई है। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाएं बताई है जो निम्न है, एक नंबर सेंसोरी मोटर स्टेज, दो नंबर प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीन नंबर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और चार नंबर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाएं दी है। आठ नंबर क्वेश्चन, छदम परिपक्व काल होता है ऑप्शन किशोरावस्था, शेषावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन तीन, पूर्व बाल्यावस्था छदम परिपक्व काल होता है। नौ नंबर क्वेश्चन, अधिगम एक प्रक्रिया है
ऑप्शन तथ्यों के संग्रह की, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की, परीक्षा की तैयारी की और याद करना। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन दो अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की अधिगम एक प्रक्रिया है। 10 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास होता है ऑप्शन क्रमिक निरंतर व्यक्तिक उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर है उपरोक्त सभी। तो मानव विकास क्रमिक निरंतर व्यक्तिक इन सभी क्रम में होता है। 11 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि का समीकरण किसने विकसित किया ऑप्शन स्टर्न बिने ट्रमन स्पेयरमैन। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन तीन ट्रमन। ट्रमन ने बुद्धि लब्धि का समीकरण विकसित किया था। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है ऑप्शन तीव्र शारीरिक विकास, विपरीत लिंग में अधिक रुचि, स्पष्ट एवं स्थायी आत्म प्रत्यय, अधिक संवेदनशील प्रकृति। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन तीन स्पष्ट एवं स्थायी आत्म प्रत्यय, यह किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन, कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं है ऑप्शन परी कॉन्वेंशनल, परी ऑपरेशनल, कॉन्वेंशनल और पोस्ट कॉन्वेंशनल। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन दो परी ऑपरेशनल, यह अवस्था कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत में शामिल नहीं है। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की अवस्थाएं निम्न तीन है, एक नंबर परी कॉन्वेंशनल लेवल, दो नंबर कॉन्वेंशनल लेवल और तीन नंबर पोस्ट कॉन्वेंशनल लेवल। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की निम्न चार अवस्थाएं बताई है, एक नंबर सेंसोरी मोटर स्टेज, दो नंबर परी ऑपरेशनल स्टेज और तीन नंबर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, लास्ट चार नंबर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी थी। 14 नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है, किसने कहा यह क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती 2015 हिंदी और बायोलॉजी में पूछा गया था, और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती 2013 में हिंदी बायोलॉजी और फिजिक्स में भी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है स्टैनले हॉल, एलिजाबेथ हरलोक, पियाजे, फ्राइड। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन एक स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है। किशोर को निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता है स्किनर के अनुसार। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है कोलेसनिक के अनुसार। रोस ने किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन कहा है। घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है वेलेंटिन के अनुसार। और किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है किर्कपैट्रिक के अनुसार। 15 नंबर क्वेश्चन, परीक्षा अधिगम इंक्वायरी लर्निंग किसके विकास में सहायक है ऑप्शन कल्पना, सृजनात्मकता, संज्ञानात्मक कौशल और समृद्धि। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन तीन संज्ञानात्मक कौशल। परीक्षा अधिगम संज्ञानात्मक कौशल के विकास में सहायक है। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं है यह क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिंदी ड्रॉइंग 2015 और फिजिक्स 2013 में पूछा गया था। साहचर्य, प्रतिगमन, प्रतिकरण, उदात्तीकरण। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन एक साहचर्य। साहचर्य प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया ऑप्शन फ्राइड, वाटसन, लेजारस, कार्ल जूंग। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन दो वाटसन। वाटसन ने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। 18 नंबर प्रश्न है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती 2015 बायोलॉजी में और 2013 फिलोसॉफी में यह क्वेश्चन पूछा गया था। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है परिवार पर, विद्यालय पर, समुदाय पर, उपरोक्त सभी पर। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन चार उपरोक्त सभी। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है ऑप्शन स्व जागरूकता, स्व सामर्थ्य, स्व प्रबंधन,
सामाजिक कौशल। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन दो, सर्व सामर्थ्य। सर्व सामर्थ्य डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन, व्यवसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए। 1 नंबर नौकरी दिलाने पर, 2 नंबर सेवार्थी की उचित नौकरी ढूंढने में सहायता देने पर, 3 नंबर शिक्षा व्यवस्था को वर्ती उन्मुख बनाने पर, 4 नंबर सेवार्थी को उचित वर्ती चयन में सहायता करने पर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 4, सेवार्थी को उचित वर्ती चयन में सहायता करने पर व्यवसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थियों में संप्रेषण का अभिप्राय है। ऑप्शन उन्हें कार्य करने हेतु कहना, विचारों का आदान प्रदान, उन्हें निर्देश देना, उन्हें अपने विचारों से सूचित करना। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 2, विचारों का आदान प्रदान, विद्यार्थियों में संप्रेषण का अभिप्राय है। 22 नंबर क्वेश्चन, निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के प्रतिपादक थे। ऑप्शन डीवी ब्रूनर, प्याजे, आसुबेल। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 2, ब्रूनर। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के प्रतिपादक ब्रूनर थे। विकासात्मक प्रतिमान के प्रतिपादक जेन पियाजे। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के प्रतिपादक ब्रूनर है। और अग्रिम संगठन प्रतिमान के आसुबेल। सामूहिक अन्वेक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक है हर्बर्ट थेलन व जॉन डीवी। निम्न में से कौन सा संप्रेषण माध्यम है, रेडियो, टेलीविजन, वीडियो टेप, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी संप्रेषण के माध्यम है। 24 नंबर क्वेश्चन, सहयोगात्मक अधिगम आयोजित किया जाता है। ऑप्शन कक्षा कक्ष परिस्थितियों में, कक्षा कक्ष से बाहर की परिस्थितियों में, 1 एवं 2 दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3, 1 एवं 2 दोनों में सहयोगात्मक अधिगम समायोजित किया जाता है। अर्थात कक्षा कक्ष परिस्थितियों में और कक्षा कक्ष से बाहर की परिस्थितियों में, इन दोनों में सहयोगात्मक अधिगम आयोजित किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर के जनक के नाम से कौन जाना जाता है, लेरी पेज, बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, रोजेनबर्ग। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक के नाम से जाना जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बैकअप प्रोग्राम्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 1। 27 नंबर क्वेश्चन, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉनिटर। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 4, मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर ये इनपुट डिवाइस है। 28 नंबर, लिंगवा फोन उदाहरण है सर्वे सामग्री का, सर्वे दृश्य सामग्री का, दृश्य सामग्री का, क्रिया सामग्री का। लिंगवा फोन एक सर्वे सामग्री का उदाहरण है, अतः इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 1, सर्वे सामग्री। 29 नंबर क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, मदरबोर्ड, सीपीयू, एएलयू, कंट्रोल यूनिट। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 2, सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। 30 नंबर, आईसीटी से अभिप्राय है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरकनेक्टेड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इंटरकॉमन टेक्नोलॉजी। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों,